किसान हित में लहसुन गीला तथा सूखा को लेकर विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा अलग से आदेश जारी किया गया था, जिसमें लहसुन को सब्जी ना मानते हुए मसाले में उपयोग होने वाली वस्तु बताया गया है। बता दें, लहसुन को किसान हित में उप विधि अनुसार विक्रय किया जाए। सब्जी मंडी में लहसुन व प्याज का विक्रय आड़त प्रथा बंद कर शासकीय कर्मचारी की उपस्थिति में नीलामी कार्य करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की कार्यकारिणी सदस्यों ने मंडी समिति सचिव के नाम मंडी कर्मचारी दिलीप सिंह चौहान व पालीवाल को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि कृषि उपज मंडी समिति को सब्जी मंडी के संबंध में पूर्व में भी संघ द्वारा लहसुन प्याज के विक्रय में आड़त प्रथा बंद कर शासकीय कर्मचारी की उपस्थिति में विक्रय कार्य किया जाने हेतु दिनांक 28 नवंबर 2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परंतु आज तक बदनापर में संचालित सब्जी मंडी में शासकीय नीलामी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। 28 फरवरी तक शासकीय नीलामी कार्य शुरू नहीं होने पर महासंघ द्वारा बदनापर व भोपाल में आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन का वाचन प्रकाश धाकर ने किया। इस दौरान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के रामचंद्र जाट, बाबूलाल सर्वी, केसुराम पवार, भुवान सिंह कुशवाहा, मुकेश गंभीर सिंह दांगी, बंशीलाल पाटीदार, किसान सिंह, राम सिंह सहित कई किसान मौजूद थे। महासंघ द्वारा आज ज्ञापन दिया गया मंडी सचिव महोदय को, उसमें लहसुन और प्याज में शासकीय नीलामी कार्य चालू किया जाए और ये जो आड़त है उसको बंद किया जाए। जो चलती है उसको बंद किया जाए। उसमें क्या है कि किसानों को ज्यादा भाव नहीं मिलता है उसमें, और उनके मनमानी भाव लगाते हैं। किसानों का जो शोषण होता है तो उस पर जो शासकीय नीलामी चालू की जाए। आपका नाम? प्रकाश धाकड़, कारोदा। बदनावर से बंटी सिंह चौहान की रिपोर्ट।